भगवान कूदे थे और वहाँ पर उनका जो चित्रण बनाया गया है। गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आए वृंदावन की पावन धरती पे। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं रह रही काली दह, जहाँ पर कालिया नांग रहा करता था और श्री कृष्ण जी ने यहीं से कालिया नांग को भगाया था। और चलिए फिर ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा काली दह का मेन गेट, यहाँ से एंट्री की जाती है। चलिए फिर सीधा अंदर चलते हैं। ये रहा सामने भैया काली दह, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कालिया नांग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सामने रहा ये मेन मंदिर, जो कि शाम को 4:30 या 5 बजे खुलता है, कंफर्म तो मेरे को नहीं पता। और भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यहीं पे खेला करते थे। हमारे पीछे बाट ब्रश देख सकते हैं, ये भी 5000 वर्ष पुराना ही है। इस पेड़ की जड़ें आप लोग देख सकते हैं कितना ऊपर तक आई हुई हैं। और हमारे पीछे की डाल को देख सकते हैं कितनी मोटी सी है डाल, क्योंकि ये 5000 वर्ष पूर्व पेड़ है इसलिए। और पेड़ की ज़्यादा ऊंचाई तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि इससे अभी के नए नए पेड़ हैं वो भी उनमें ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है इसलिए बूढ़ा पेड़ इसे भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर कालिया नांग का एक और स्टेचू बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर फूल मालाएँ और फूल चढ़े हुए हैं, और इसी पेड़ में चींट बांधी गई हुई है। शायद चींटी बोलते हैं, हमको कंफर्म पता तो नहीं है, बट इससे इसकी ये मान्यता है कि जो भी यहाँ कोई भी भक्त आता है, यहाँ चींट बांध के जाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, फिर इसको खोलने भी आता है। और हमारे सामने के ये लोग जो दिख रहे हैं, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, कोलकाता के आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ से यात्री आते हैं। अभी ये सामने बाबा जी जो दिख रहे हैं, इन्हीं लोगों को बंगाली भाषा में कहानी सुना रहे थे। अब इस टाइम ये लोग पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं। और गाइस हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है श्री कृष्ण जी कल्याण के ऊपर खड़े हुए हैं। तो गाइस फाइनली हमको भैया जी एक मिल चुके हैं, उनसे करते हैं, लोकल के ब्रजवासी हैं, उनसे करते हैं बात और आप लोगों से कराते हैं। जी भैया बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज से करीब 5500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में इस धरा पर प्रकट हुए, और जब वो बाल लीलाएं कर रहे थे तो यहाँ अपने सखाओं के साथ, ये कालिया दह के नाम से स्थान जाना जाता है, जब वो वहाँ पर खेलने आए, खेलने के बहाना था, उनको कालिया मर्दन का उद्धार करना था, और यमुना जी में जो वो अपने विष के द्वारा यहाँ पर दुष्प्रभाव फैला रहा था, जिस विष के कारण यमुना का जल ब्रजवासी पी नहीं सकते थे, उसको पीने से उनको रोग बीमारियाँ हो जाती थी, मर जाते थे, उससे मुक्ति दिलाने के लिए कन्हैया इस बहाने यहाँ आए। यहाँ पास में कदम का वृक्ष है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा वृक्ष है। इस वृक्ष को बताया जाता है कि उसी समय का ये वृक्ष है, इसी वृक्ष की डाली से कन्हैया जी इस काली दह में कूदे। दह यानी एक बहुत बड़ा नदी में बहुत बड़ा एक गहरा गड्ढा जैसा, जो भंवर पड़ने से गहरा हो जाता है, उसकी गहराई में ये कालिया मर्दन साफ रहता था। तो भगवान ने जानबूझ करके उस बॉल को, उस गेंद को उस पानी में जाने दिया, फिर उस पानी में से गेंद को निकालने के बहाने और कालिया मर्दन का जो नाश करना था इसके लिए, ये वो कदम का पेड़ है जिसकी इस डाल से भगवान श्री कृष्ण ने इस दह में छलांग लगाई थी, इस दह में कूदे थे। यहाँ पर श्री कृष्ण के पद चिन्ह बनाए गए हैं, उनको प्रणाम किया जाता है, और इसकी 4 परिक्रमा लगाने से माना जाता है कि भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए इधर देखते हैं। ये जो आप डाल देख रहे हैं, ये वाली काफ़ी पुराना वृक्ष है, करीब 5500 वर्ष इसको हो चुके हैं, और ये प्राचीन है, यहीं से भगवान कूदे थे और वहाँ पर उनका जो चित्रण बनाया गया है मूर्तियों के द्वारा, पीछे जो आपने देखा वो दर्शाया गया है, कालिया मर्दन को कैसे पकड़ा और उसके फन पर भगवान कृष्ण ने, बाल कृष्ण ने, और उनके फन पर डांस किया, नृत्य किया और अपनी लीलाओं से सभी को सुख पहुंचाया,
और अपने भगवान होने का लोगों के भक्तों में विश्वास पैदा किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सो गाइस, भैया जरा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।